आणि मी स्वतः फ्लायओवर बघितल्यानंतर माझी चांगली किंवा वाईट सवय आहे की जर काही वाईट गोष्टी दिसल्या तर डिपार्टमेंटच्या नावाने बोंबलायचं काम जनतेपेक्षा मीच आधी करतो. त्यामुळे मी पूर्ण फ्लायओवर बघितल्यानंतर अतिशय चांगलं बांधकाम या ठिकाणी झालेलं आहे आणि याबद्दल या कॉन्ट्रॅक्टर श्री गिरीश जग्गी आणि त्याचबरोबर NHAIचे जे अधिकारी आहेत ज्यांनी हे काम केलेलं आहे त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. उडम पुलाला फक्त 2 वर्ष झालेले आहेत. किती फक्त 2 वर्ष. 2 वर्षात निकृष्ट दर्जाचा हा उडन पूल बनवण्यात आला आणि या उडन पूलचा हा गड्डा बघा, हा गड्डा बघा, हा गड्डा, या गड्ड्यात नमस्कार. VKB न्यूज के पोल खोल इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश में सड़कों और पुल के नाम पर विकास तो हो रहा है जिसको लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हर पक्की सड़क और पुल आपको मजबूती की गारंटी देगा ऐसा दिखाई नहीं देता, जिसका सबूत हम आपको देने जा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को प्रसारित भी करेंगे. इस बार बात नागपुर से सटे वर्धा जिले की है, जहां 2 वर्ष पहले हिंगनघाट में इस पुल का लोकार्पण तो किया गया, लेकिन महज 2 वर्षों में इस पुल पर अब गड्ढे पड़ने लगे हैं, जो भाजपा की मजबूत गारंटी की पोल खोल कर रहे हैं, जिसे आप खुद ही देख सकते हैं. नागपुर जिले से सटे वर्धा जिले के हिंगनघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर कृषि उत्पादन बाजार समिति से सटे जॉन कॉन्वेंट तक उड़ान पुल खतरनाक होता जा रहा है. ये पहला वाक्य नहीं जब इस पुल पर यह जानलेवा गड्ढा बना हुआ है. इससे पहले भी 2 गड्ढे इसी तरह इस पुल पर समस्या निर्माण कर रहे थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नितिन गडकरी की NHAI टीम ने कितना घटिया काम किया होगा. जबकि 2 वर्ष पहले गडकरी जी ने पुल निर्माण करने वाले NHAI के अधिकारियों की तारीफ कैसे की थी, अब ये भी देख लेते हैं. अतिशय सुंदर असा फ्लायओवर कमीत कमी वेळामध्ये ज्यांनी बांधून दिलेला आहे आणि मी स्वतः फ्लायओवर बघितल्यानंतर माझी चांगली किंवा वाईट सवय आहे की जर काही वाईट गोष्टी दिसल्या तर डिपार्टमेंटच्या नावाने बोंबलायचं काम जनतेपेक्षा मीच आधी करतो. त्यामुळे मी पूर्ण फ्लायओवर बघितल्यानंतर अतिशय चांगलं बांधकाम या ठिकाणी झालेलं आहे आणि याबद्दल या कॉन्ट्रॅक्टर श्री गिरीश जग्गी आणि त्याचबरोबर NHAIचे जे अधिकारी आहेत ज्यांनी हे काम केलेलं आहे त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आज हिंगनघाट में पुल धीरे धीरे अनेक जगह से टूटकर गिरने लगा है, जिससे बड़े हादसे की आशंका व्यक्त की जा रही है. हाल ही में कुछ ही साल पहले बनाई यह फ्लाईओवर अब जगह जगह से टूटकर नीचे गिरने से खतरनाक स्थिति निर्माण हुई है. इसका दोषी कौन है, इस पर भी हमने हिंगनघाट वासियों की राय जानी है. 44 हिंगनघाट शहरातून नांदगाव चौरस्ता इथे उडान पुल बनवण्यात आला. या उडान पुलाला फक्त 2 वर्ष झालेले आहे. किती फक्त 2 वर्ष. 2 वर्षात निकृष्ट दर्जाचा हा उडान पूल बनवण्यात आला आणि या उडान पूलचा हा गड्डा बघा, हा गड्डा बघा, हा गड्डा, या गड्ड्यात मधोमध उडान पुलाच्या मधोमध इथं मोठा गड्डा पडलेला आहे. इथं अनेक लोकांचे 2-व्हीलरनं अपघात झालेले आहे. निकृष्ट दर्जाचा ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी हा उडान पूल बनवला त्याची आम्ही एक मागणी करतो राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या तर्फे, का त्याच्यावर तातडीनं कारवाई व्हायला पाहिजे. कारण की हा जो गड्डा पडलेला आहे
फक्त 2 वर्षे हा उडान पुलाला झालेला आहे आणि नांदगाव चौक हा एक नावाजलेला आणि हा मोठा चौक आहे. 2 वर्षात जर ह्या उडान पुलाला जर मोठे गड्डे पडत असतील तर इथं मोठ्या प्रमाणात सुद्धा समोर अपघात होऊ शकते. आज इथं गड्डा पडलेला आहे, उद्या समोर मोठा गड्डा पडू शकते आणि मोठा गड्डा जर पडला आज इथे ट्रॉफिक बघा, आज ट्रॉफिक इतक्या मोठ्या प्रमाणात ट्रॉफिक आहे. हायवे न मोठ्या प्रमाणात गाड्या फुल लोडेड गाड्या हायवे उडान पुलावरून चालतात आणि चालत असताना जर अशा निकृष्ट दर्जेचा जर उडान पूल बनवण्यात आलेला आहे तर या कॉन्ट्रॅक्टरवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात यावी. जर कॉन्ट्रॅक्टरवर जर कारवाई जर झाली नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आणि सर्व आम्ही पदाधिकारी कार्यकर्त्यातर्फे मोठ्या प्रमाणात निषेध करू आणि आंदोलन करू. आणि आज आम्ही हा कॉन्ट्रॅक्टरचा ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी हा उडान पूल बनवलेला आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो. हे लोक काही लोक म्हणतात की अच्छी दिन आहे, हे कोणते अच्छी दिन आहे की ज्या उडान पुलाला शेकडो करोड रुपये लागून राहिलेला आहे पण ह्या जनतेचा पैसा आहे आणि 2 वर्षात तिथं गड्डे पडत आहे आणि लोकांचे जीव घेणारे गड्डे आहे वाले. जर मोठा गड्डा जर आणखी जर झाला तर मोठी फोर व्हीलर गाडी सुद्धा ह्या गड्ड्यातून खालतं पडू शकते आणि खालतं कमीत कमी 100 फूट अंदर जर माणूस जर पडला गाडी जर गेली तर माणूस वाचू शकत नाही. म्हणजे जीव घेणारा हा गड्डा आहे म्हणून आम्ही या कॉन्ट्रॅक्टरचा आज निषेध करतो आणि आज हा जो गड्डा या सर्व जनतेनी हे बाब लक्षात घेतली पाहिजे की निकृष्ट दर्जाचे कामं आपल्या भागामध्ये होत आहे यासाठी आज आम्ही या गड्डा बघण्यासाठी आलेलो आहोत. ये फूल को 2 साल का जमाना हो गया है, उसमें क्रैक आ गई तो जनप्रतिनिधि ने फूल के ऊपर ध्यान देना चाहिए. गाड़ा का हवा कम जो कभी भी गाड़ी गिर सकती है, लोग मर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो शासन को समझने को ना. नितिन जी गडकरी यांच्या प्रेरणेने सदर पुलाचे काम बांधकाम चालू झाले होते. यापूर्वी सुद्धा या पुलाच्या बांधकामासाठी या नागरिकांनी येथील खूप विनंत्या केल्या तेव्हा केव्हा हा पुलाचं बांधकाम हे चालू झालं. परंतु मात्र आता फक्त पूल होऊन फक्त 2 वर्ष झाले आहे आणि याला फार मोठा एक भगदड पडलेला आहे. तर हे भगदड नसून शासनाच्या केंद्र सरकारच्या कामाची दशा हे दाखवत आहे, भगदड नाही आहे. आणि त्यामुळे असा एखाद दिवशीला धोका होऊ शकतो की तो धोका मात्र सगळ्याच्या अपेक्षेच्या बाहेर राहील. एवढा मोठा भगदड पडलेला आहे पण हे जे भगदड पडलेलं आहे केंद्र शासनाच्या काय म्हणू कार्यशैलीला एक भगदड पडलेला असं म्हणावं लागेल. मी नाम मनोज सावंकर आहे और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी इन्होंने 2 साल पहले डिजिटल मार्फत ये पुलिया का उद्घाटन किया है लेकिन अभी आम जनता के लिए पूरे खतरे की घंटी बन गई है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं और खड्डे भी ऐसे हो गए हैं कि पूरे खड्डे आर पार हो गए. यानी इसमें जनता को यानी जो नीचे वाहतुक है उनके लिए खतरा है. यानी हम भी नीचे जो बैठते हैं यहाँ पे पुलिया के नीचे यहाँ से यानी खड्डे ऊपर तक दिखते हैं आवक जावक ऊपर से होती है. हमारे जान को इतना खतरा है यहाँ पे बैठने के ये इतने निकृष्ट दर्जा का इसने पुलिया बनाया ये वाला. इसके ऊपर कुछ ना कुछ के माननीय केंद्रीय मंत्री अपने नितिन जी गडकरी ने कुछ ऑब्जेक्शन देना चाहिए और ये हमारे इंग्लैंड जनता को जो ये पुलिया की वजह से धोखा है इससे कुछ उन्होंने इसके ऊपर कुछ करना चाहिए क्योंकि आगे जाके ये पुलिया कभी भी गिर सकता है. इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए इसमें. इस नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर दिन रात भारी वाहनों का ट्रैफिक रहता है लेकिन पुल जगह जगह से टूटने लगा है जिससे नेशनल हाईवे पर बने इस पुल पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. इस पुल का उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस पुल पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से पुल के कार्य पर सवाल निर्माण हो रहा है जिसकी जानकारी हमारे हिंगनघाट के प्रतिनिधि मालक नईम दे रहे हैं. मैम जी बताइए. इस हिंगनघाट शहर में जो उड़ान पुल बना है नांगा चौरस्ता बोला जाता है इसका निर्माण 17 जून 2021 को माननीय नितिन गडकरी की
उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है और ये निर्माण कार्य काफी लागतों से बना हुआ है जरूरी क्योंकि एपीएमसी मार्केट से नांदा चौरस्ता होते हुए जो वना नदी का पुलिया है वहाँ तक पुल गया हुआ है तो ये पुल का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि ये कश्मीर टू कन्याकुमारी रोड है इस कारण से इस यहाँ से आवागमन ज्यादा होता है बड़ी गाड़ियों का जी जी इस वजह से और स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो इस कारणवश ये रोड के ऊपर ये पुलिया बनाया गया था ओके दो वर्ष पहले सर कई वर्ष पहले इसका लोकार्पण हुआ था अब तक कितने बार जानलेवा गड्ढे पड़ चुके हैं ये अभी तीसरा गड्ढा है इस पुलिया पे अब तक तीसरी बार गड्ढे पड़ चुके हैं हाँ गड्ढे पड़ चुके हैं लेकिन वो गड्ढे थोड़ा सा आगे हुए थे ढलान की अभी जो गड्ढा हुआ है ये जो डीप का एरिया है बिल्कुल आर्या पास अच्छा हाँ NHAI ने जो रोड बनाया है यहाँ पे तो उसके वजह से यहाँ पे जो डीप एरिया जो है ना उतार वो एरिया में हुए हुए है तो उसका निर्माण उन्होंने उस टाइम में उसमें रिपेयरिंग के तौर पे किया हुआ है रिपेयर अच्छा NHAI के अधिकारियों को क्या ये बात बताई गई है क्या कहना है उनका हाँ उन तक तो ये खबरें पहुंच चुकी है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है जो लोकल कार्यकर्ता है जो स्थानीय नागरिक है जो समाज सेवा करते हैं इन्होंने अपने जो भी अधिकारी है और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है इन तक अपनी बात पहुँचाई है NHAI के अधिकारियों का क्या कहना है उनसे अभी तक हमारी बात तो नहीं हुई सचिव लेकिन उन तक पहुंचने की हमारी कवायद चालू है और स्थानीय यहाँ के जो नागरिक है वो जो स्थानीय यहाँ के नेता है उनसे ये इसके बारे में चर्चा करके आगे और अभी आज ही से यहाँ पे निर्माण कार्य चालू हुआ है रिपेयरिंग कार्य सर क्या लगता है आपको क्या पुल का निर्माण कार्य घटिया दर्जे के मटेरियल से हुआ है भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है हाँ ये आशंका से अपन इसको बोल नहीं सकते लेकिन अपन ये आशंका लगा सकते हैं कि आगे इस पुल से बड़ी दुर्घटना हो सकती है लेकिन बरसात के आने से पहले अगर काट पट्टी डाल दी जाए यानी एक कहावत है ना कि बरसात आने से पहले अपना सड़क बना ली जाए तो वो अच्छा है बेहतर है अच्छा क्या निर्माण कार्य घटिया दर्जे के मटेरियल से हुआ है आपको लगता है ऐसा हाँ मुझे तो लगता है लेकिन यहाँ जो निर्माण कार्य हुआ है ये जो लेवल पे होना चाहिए था क्योंकि मात्र दो वर्षों में अगर ये पुलिया का ये हाल है तो इसके लिए तवादत लगाई जा रही थी कि 25 साल इस पुलिया को कुछ नहीं होगा बड़े बड़े कॉलम बड़े बड़े बीम बड़े बड़े इसमें कला के बड़ी बड़ी लेवल की इस पे वो गटर डाले गए हैं फिर भी जो इसका स्लैब डाला गया है उस स्लैब में इसमें कमजोरी दिख रही है और वो दिख रही क्या वो तो नजर ही आ रही है ना जी गडकरी जी ने क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए हाँ इससे नितिन जी गडकरी का मेरा मानना है कि नितिन जी गडकरी ने जो इसमें दोषी अधिकारी है दोषी ठेकेदार है दोषी कर्मचारी है और दोषी जो जनप्रतिनिधि है इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए नहीं जनता की भी मांग है मात्र दो वर्ष पहले निर्माण हुए इस पुल पर सियासत भी गर्मा गई है जबकि जिस पुल निर्माण की तारीफ करने वाले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब क्या एक्शन लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा फिलहाल इस पुल पर पड़े गड्ढों के कारण जानलेवा खतरा मुसाफिरों पर मंडरा रहा है जिसमें कोई दोरा नहीं है कि ऐसे गड्ढों के कारण अगर कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो इसका सबसे बड़ा दोषी सड़क परिवहन मंत्रालय और उनके मंत्री होंगे जिनकी गारंटी केवल दिखावा साबित होगी हिंगनघाट से मालक नईम के साथ नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट VKB न्यूज के लिए आणि मी स्वतः फ्लायओवर बघितल्यानंतर माझी चांगली किंवा वाईट सवय आहे की जर काही वाईट गोष्टी दिसल्या तर डिपार्टमेंटच्या नावाने बुंबलायचं काम जनतेपेक्षा मीच आधी करतो त्यामुळे मी पूर्ण फ्लायओवर बघितल्यानंतर
अतिशय चांगलं बांधकाम या ठिकाणी झालेलं आहे आणि याबद्दल या कॉन्ट्रॅक्टर श्री गिरीश जग्गी आणि त्याचबरोबर NHAIचे जे अधिकारी आहेत ज्यांनी हे काम केलेलं आहे त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. पुलाला फक्त 2 वर्ष झालेले आहे. किती? फक्त 2 वर्ष. 2 वर्षात निकृष्ट दर्जाचा हा उडाणपूल बनवण्यात आला आणि या उडाणपूलचा हा गड्डा बघा, हा गड्डा बघा, हा गड्डा, या गड्ड्यात